बोलो नर्मदे मैया की जय। हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद कहा जाता था। नर्मदापुरम में हम लोग जाएंगे सेठानी घाट और वहाँ पर हम करेंगे नर्मदा मैया के दर्शन। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी और बनारस में 80 घाट का महत्व है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सेठानी घाट का अपना अलग ही महत्व है। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो चलो चलते हैं नर्मदा मैया के दर्शन करने। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सेठानी घाट। ये घाट इंडिया के सबसे बड़े घाटों में से एक है। इस घाट को सेठानी घाट क्यों कहते हैं, इसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। और ये मेरे पीछे है नर्मदा जी। यहाँ पर टोटल 7 घाट हैं, जिसमें से सेठानी घाट सबसे बड़ा घाट है। नर्मदा जयंती पर जो यहाँ का दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। हजारों दिए यहाँ पे जलाए जाते हैं। इस व्लॉग में मेरे साथ हैं मेरे साथी विवेक दुबे। विवेक अब बताओ, क्या बता रहे थे मंदिर के बारे में? यहाँ का बहुत प्रसिद्ध काले महादेव मंदिर तो सामने दिख रहा है आपको। जब भारी बरसात होती है तो मैंने खुद ने अपने उससे देखा है कि पूरा जो मंदिर है पानी से पूरा डूब जाता है, और ये पूरा जो घाट है यहाँ से वहाँ आप देख रहे हैं पूरा पानी, वहाँ से लेके इस घाट तक पूरे में पानी ही पानी रहता है। ये है काला महादेव मंदिर। इसी मंदिर के बारे में बता रहे थे आपको कि जब बरसात के टाइम पर नर्मदा जी पूरे उफान पर होती हैं तब ये मंदिर भी डूब जाता है। अभी ये मंदिर रिनोवेट हो रहा है। यहाँ पर ये जितने भी घाट हैं वो सब भी पानी में डूब जाते हैं बरसात के टाइम पर। जिस तरह गंगा जी में नहाने से जीवन सफल हो जाता है, कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है और सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत से श्रद्धालु नर्मदा जी की परिक्रमा कहते हैं, जिसको पैदल करते हैं, और ये करीब करीब 2600 किलोमीटर का सफ़र होता है। 2600 किलोमीटर चलने में लगते हैं करीब 120 दिन। कुछ लोग कार से भी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। अगर आपको नर्मदा जी के घाट के पास रुकना है तो नर्मदा रिवर व्यू रिजॉर्ट सबसे अच्छा रिजॉर्ट यहाँ पे है। इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।